प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे भी कैलकुलेशंस होते हैं जिनमें प्लस और माइनस के साइन एक साथ लग करके आते हैं, और ऐसे कैलकुलेशंस करते वक्त बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस विद प्लस माइनस साइन। ओके, अब आप देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज आपके लिए। ओके, देखिए, जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, अगर कभी भी कोई सिचुएशन मैथमेटिक्स में इस तरीके की आ जाती है, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ऐसी सिचुएशन में बच्चों को ये लगा करता है कि हम प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं बेटा तो ऐसा नहीं होता, ये गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, अब हम उसको देखते हैं। सही तरीका देखिए, यहां पर ये प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब आप सभी को ये तो पता ही है, प्लस माइनस एक्स का मतलब प्लस एक्स या माइनस एक्स, और प्लस माइनस वाई का मतलब प्लस वाई या माइनस वाई। हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके यहां से साइन ले सकते हैं। देखना कितनी सिचुएशंस बन सकती हैं। कंडीशन नंबर वन, हम चाहें तो दोनों साइड के प्लस ले सकते हैं, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन हम क्या ले सकते हैं, दोनों के माइनस ले सकते हैं हम चाहें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, इस तरीके से माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू फिर से हमको क्या मिल जाएगा, वाई। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि हम इसके प्लस के साथ इसका माइनस ले सकते हैं, मतलब प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, देन दिस गिव्स अस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ओके, एंड फोर्थ सिचुएशन भी बेटा इसकी हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि हम इसके माइनस के साथ इसका प्लस ले सकते हैं। ओके, देन इट विल बी माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई, एंड दिस गिव्स अस अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। यू कैन सी, कैलकुलेट करके देखें, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाई आ जाएगा। इस तरह से अगर कभी भी कैलकुलेशन करते वक्त इस तरह की कोई सिचुएशन आती है आपके सामने, तो ये फोर स्टेप्स फोर कंडीशंस हम ले सकते हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। आप चेक करके भी देख लें, एक बार दोनों का प्लस लिया मैंने, एक बार दोनों के माइनस ले लिए मैंने, एक बार इसके प्लस के साथ इसका माइनस ले लिया, और एक बार इसके माइनस के साथ इसका प्लस ले लिया, बस इन चार कंडीशंस के अलावा कोई पांचवी कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो चार कंडीशंस आपको मिली, इनके रिजल्ट पर ध्यान दीजिए कि इनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो आप देखेंगे, देखने में तो आपको ये फोर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई। बट अगर आप और ध्यान से देखें, माइनटली अगर आप देखते हैं, तो आप पाएंगे कि मेनली यहां पर केवल दो ही रिजल्ट है, एक है x इज इक्वल टू वाई और एक है x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो एक रिजल्ट में आया x इज इक्वल टू वाई, और इसका एक रिजल्ट मिला x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब अगर हम दोनों को मिला देंगे तो इसमें मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आज के बाद मैथमेटिक्स में जब भी कभी प्लस माइनस की इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है कि प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल नहीं करना है और x इज इक्वल टू वाई नहीं लिखना है, दिस इज द रॉन्ग वे। सही तरीका क्या है, उस वक्त जब प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई होगा, आप सभी को क्या लिखना है, आप सभी को लिखना है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो ये गलत है, इसका सही क्या होगा, इसको कैलकुलेट करके अगर हम लिखेंगे, देन इट विल बिकम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। और भी हम इसके साथ कैलकुलेशन करके आपको दिखा सकते हैं, हम आपको ये भी दिखा सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, ये तो इक्वल के लिए हो गया,
अगर हम एडिशन में आते हैं, सब्ट्रैक्शन में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, डिवाइड में आते हैं, सब में यही होगा। एडिशन के लिए हम आपको देखते हैं, ये तो इक्वालिटी के लिए मैंने आपको दिखाया करके कि अगर दो टर्म प्लस माइनस है और वो एक दूसरे के इक्वल है तो किस तरीके से कैलकुलेशन करना है एंड व्हाट विल बी इट्स फाइनल रिजल्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स विद प्लस माइनस साइन। एडिशन, एडिशन में सपोज वी हैव वन प्लस माइनस एक्स, मैं इसको और सही से लिख देता हूं, तो मेरे पास है प्लस माइनस एक्स और इसे मुझे ऐड करना है प्लस माइनस वाई के साथ में। ओके अच्छा, अब इसमें भी हम फोर कंडीशंस ले सकते हैं। कैसे फोर कंडीशन, अब आप समझ भी रहे होंगे कौन कौन सी फोर कंडीशंस ले सकते हैं। सबसे पहले दोनों का पॉजिटिव साइन ले लीजिए, प्लस एक्स प्लस प्लस वाई, ठीक है ना। अब इनको जब आप बेटा सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट एक्स प्लस वाई। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या ले सकते हैं, हम दोनों के माइनस ले सकते हैं, तो अगर दोनों के माइनस ले लेंगे माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए भैया, ये भी माइनस है, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इस तरीके से यहां पर आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस अगर हमने कॉमन कर लिया, यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा मिल जाएगा ये मुझे। थर्ड, अगर हम इसके, अब दोनों के माइनस ले लिए, दोनों का प्लस ले लिया, अब इसके प्लस के साथ इसका माइनस ले सकते हैं, प्लस एक्स प्लस इसका माइनस ले लेना है मुझे। इसे जब हम बोगा सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई आएगा, एक्स माइनस वाई, तो ये हमको रिजल्ट मिल गया इसका। अब हम ये भी कर सकते हैं, जो फोर्थ कंडीशन होगी उसमें इसके माइनस के साथ हम इसका प्लस ले सकते हैं, माइनस एक्स प्लस प्लस वाई, ऐसे ले सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखेंगे देन यू विल गेट माइनस एक्स प्लस वाई, और अगर हम इससे माइनस कॉमन कर लें तो ये क्या देगा मुझे, माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। इसके अलावा कोई फिफ्थ कंडीशन आप ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जो रिजल्ट मिले, अब उस पर गौर कीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, आपको जो रिजल्ट मिले हैं, एक में मिला प्लस एक्स प्लस वाई और एक में है माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। एक रिजल्ट आपको मिल रहा है प्लस एक्स माइनस वाई, एक रिजल्ट आपको मिल रहा है माइनस एक्स माइनस वाई। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, अगर ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस एक्स प्लस वाई एंड प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। तो एडिशन अगर करेंगे तो उसका ये रिजल्ट आना है आपका, ठीक है। तो ये मत करिए कि प्लस माइनस कॉमन कर लिया और एक्स प्लस वाई अंदर लिख दिया, नहीं, ये उसके आंसर होंगे। अगर आप प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई ले रहे हैं तो ये उसका आंसर आपका आएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई भी आएगा और उसके साथ प्लस माइनस एक्स माइनस वाई भी आएगा। आप देख लीजिए, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी, ये एडिशन के लिए हो गया। यही चीज आप सब्ट्रैक्शन का करके यहां पर देखिएगा, यहां पर बीच में माइनस साइन लगाइएगा और उसके बाद यही कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको करना है सभी बच्चों को, ये आपकी एक्सरसाइज है, क्या प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, ये आप सभी बच्चों को करना है और आप देखेंगे रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। अच्छा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में यही चीज देखें, मल्टीप्लिकेशन में गुणा में अगर करके देखेंगे तो क्या रिजल्ट हमको मिलेंगे, उसको भी देख लेते हैं। मेरे पास है प्लस माइनस एक्स और मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है प्लस माइनस वाई से। तो सब बच्चों को, अधिकतर बच्चों को यह लगता है कि प्लस प्लस हो, मल्टीप्लाई होकर प्लस बना लेगा और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई। अधिकतर स्टूडेंट्स को यह लगता है, पर अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी गलत हैं।
ये आंसर नहीं आ सकता, ये रॉन्ग मेथड है। तो फिर एक्चुअली आंसर क्या आएगा? ये दो चीजें मैंने करके दिखाई, आई होप कि अगली ये जो मल्टीप्लीकेशन मैं करने जा रहा हूं इसका आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप इसमें भी लेते हैं। सबसे पहले मैं दोनों के पॉजिटिव साइंस ले सकता हूं, तो मैंने ले लिया प्लस एक्स इंटू प्लस वाई ले लिया, एक में मैं ले सकता हूं दोनों के माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, दोनों के माइनस मैंने ले लिए, मल्टीप्लीकेशन करनी है हमको। इसके बाद इसका प्लस और इसका माइनस ले लेते हैं, तो प्लस एक्स इंटू माइनस वाई कर लिया, और फोर्थ स्टेप पे मैं ले सकता हूं एक्स वाला माइनस, तो वाई के साथ प्लस, यही फोर कंडीशन बनेंगी ना आपकी, इसके अलावा तो कोई पांचवी कंडीशन बन नहीं सकती। अब इसको सॉल्व करिए, इसको करने से क्या मिलेगा आपको, इसको करने से मिलेगा प्लस एक्स वाई, इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी अगेन प्लस एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस एक्स एक्स ओ आई एम सॉरी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक्स इंटू वाई, प्लस वाई नहीं ये माइनस एक्स वाई, और इसको भी तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस ये माइनस आ जाएगा और एक्स वाई। अब फिर से वक्त आ गया है रिजल्ट को देखने का, किसका रिजल्ट क्या मिला। ये रिजल्ट देखो दो सेम आ रहे हैं, ये दो रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अगर करेंगे तो प्लस एक्स वाई भी आ सकता है, माइनस एक्स वाई भी आएगा। इस तरीके से दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो प्लस माइनस एक्स वाई आएगा। अब देखा आप लोग पहले क्या सोचते थे कि प्लस को प्लस से किया प्लस हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, और आंसर आ गया एक्स वाई। और अब आप देखिए आपका रिजल्ट क्या बोल रहा है कि प्लस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस वाई, इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो प्लस एक्स वाई नहीं बल्कि प्लस माइनस एक्स वाई आना चाहिए। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। यही चीज इसी तरह से आप डिवीजन के लिए भी देख सकते हैं कि कभी डिवीजन में इस तरीके का कोई नंबर आपको मिल जाता है, जैसे ये आ गया प्लस माइनस एक्स अपॉन प्लस माइनस वाई आ गया। तो नॉर्मल सी बात है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते रहते हैं कि ये प्लस माइनस से इसका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, बट इट इज नॉट सो। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप भी गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से इसको आपको करके दिखाता हूं, एक एक स्टेप पे आते जाते तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके साथ भी प्लस माइनस है, इसके साथ भी प्लस माइनस है। इस तरीके से मैं ले सकता हूं, इसको प्लस लिया और इसको भी प्लस ले लिया। दूसरी कंडीशन हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों के साथ माइनस यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि हम एक्स के साथ प्लस और वाई के साथ माइनस ले सकते हैं। फोर्थ स्टेप पे हम ये कर सकते हैं कि एक्स के साथ माइनस और वाई के साथ प्लस कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तो आपको समझ में भी आ रहा है। और फिफ्थ कंडीशन हो नहीं सकती, तो आप इसको बहुआ जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट प्लस एक्स अपॉन वाई, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट इज अगेन प्लस एक्स अपॉन वाई, प्लस एक्स अपॉन माइनस वाई इट इज माइनस एक्स अपॉन वाई, एंड माइनस एक्स अपॉन प्लस वाई दिस इज माइनस एक्स अपॉन वाई। अब फिर से एक बार रिजल्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, इसका ये दो रिजल्ट सेम, ये दो रिजल्ट भी सेम, तो एक्स वाई तो सबका एक्स अपॉन वाई तो सबका आंसर है, पर प्लस एक्स अपॉन वाई भी आंसर है और माइनस एक्स अपॉन वाई भी आंसर है। इस तरीके से अगर कहीं पर भी प्लस माइनस एक्स अपॉन प्लस माइनस वाई लिखा हुआ है तो इसका आंसर हमें केवल एक्स अपॉन वाई नहीं लिखना है, बल्कि इसका आंसर हमें लिखना है प्लस एक्स अपॉन वाई, ये इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा है बेटा, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस विद प्लस माइनस साइन, ये दिस इज योर होमवर्क है। आप इसको करके देखिए सभी लोग, क्या इससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं इसको भी करके आपको दिखा दूंगा, बट क्योंकि मैंने ये करके दिखाया है तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। तो एक बार फिर से कि अगर कभी इक्वलिटी में आता है प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई,
एक्स इज इक्वल टू वाई, नहीं ये गलत है। अगर कभी प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई अगर आ रहा है, दो प्लस माइनस साइन नंबर्स को आपस में एडिशन करना है मुझे, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर प्लस माइनस एक्स प्लस वाई भी आएगा और प्लस माइनस एक्स माइनस वाई भी आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन का आप करके देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस वाई, इसका आंसर केवल एक्स इंटू वाई नहीं, बल्कि इसका आंसर आएगा प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, केवल एक्स वाई नहीं। ऐसे डिवीजन में अगर आप देखेंगे प्लस माइनस एक्स अपॉन प्लस माइनस वाई, तो इसका आंसर केवल एक्स अपॉन वाई नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर आएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। तो आई होप कि आज की ये चीज आपको समझ में आई होगी और ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाली है आपको, तो इसको आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। अगली क्लास में मैथ के अगले कुछ और अच्छी बातों के साथ मुलाकात करेंगे, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।